नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुटेक लाइव में। आज मैं आपको एक भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूं, जो नई भर्ती आई है SSC के माध्यम से, SI ASI रिक्रूटमेंट 2019, जो दिल्ली पुलिस में SI की, ASI CIPF CRPF में और इसके अंदर CAPF में भी कुछ पोस्टें हैं। तो इस भर्ती के बारे में हम आज देखते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, फीस कितनी है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं इसकी फार्म भरने की दिनांक कब से शुरू हो गए फार्म। तो 17 सितंबर से ये फार्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 अक्टूबर 2019। और योग्यता जब हम इसकी देखते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, तो ये ग्रेजुएशन मांगता है, स्नातक, यानी हमारे पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री की यदि हम बात करें तो क्या कंप्लीट होनी चाहिए या अपेयरिंग, तो हम यदि फाइनल ईयर में अपेयरिंग है, हम अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, एडमिशन ले रखा है, तो भी हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी उम्र की बात करते हैं, एज कितनी मांगता है, तो ये 20 से 25 साल मांगता है। मिनिमम एज 20 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 वर्ष। और अलग अलग कैटेगरी SC ST OBC इनके अनुसार अलग अलग कैटेगरी वाइज इनके अंदर एज में रिलेक्शन भी हमको मिलता है। इसके हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क OBC मेल और जनरल मेल इनके लिए 100 रुपये है, तथा हम बात करते हैं SC ST SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन और सारी फीमेल, कोई किसी भी कैटेगरी से फीमेल हो, इनके लिए कोई फीस नहीं है, यानी इनके लिए ये फॉर्म निःशुल्क है। केवल जनरल मेल और OBC मेल के लिए 100 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। पेमेंट की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16 अक्टूबर। उसी तरह पेमेंट यदि हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसकी 18 अक्टूबर लास्ट डेट है, और चालान बैंक के माध्यम से हम पहले अगर यदि पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी लास्ट डेट है 19 अक्टूबर। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो टाइप फर्स्ट जो एग्ज़ाम है वो इसका होगा 11 दिसंबर 12 दिसंबर और 13 दिसंबर 2019 यानी तीन दिन तक इसके अलग अलग एग्ज़ाम चलेंगे। और टायर सेकंड की जब हम बात करते हैं, तो टायर सेकंड की एग्ज़ाम डेट अभी SSC ने जारी नहीं की है, और ये जल्दी ही जारी कर देगा अलग से नोटिस निकाल कर। अब हम सारा कुछ देख चुके हैं, इसके पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि इसकी कितनी पोस्ट जो है फॉर्म के इस रिक्रूटमेंट के माध्यम से कितनी पोस्ट खाली है वो जिसके लिए भर्ती कर रहा है। तो हम देखते हैं इसके SSC कभी पोस्ट पहले नहीं बताती है, ये अलग से नोटिफिकेशन जारी करती है जब मेंस के एग्ज़ाम होते हैं, तब ये अलग से नोटिस जारी करके बताती है कि कितनी पोस्ट हैं। तो ये SSC SI और ASI रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब आप लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें और जल्दी आवेदन करें। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट के माध्यम से पेपर होगा, जिसके अंदर रीजनिंग, ये मैं आपको टाइप फर्स्ट के बारे में बता रहा हूँ, जिसके अंदर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, तथा साथ में जनरल अवेयरनेस या GK हम बोल सकते हैं, उसके 25 क्वेश्चन आएंगे।